नमस्कार साथियों, आज की क्लास मुख्य रूप से दक्षिणी सह्याद्री को लेकर के रहेगी, क्योंकि उत्तरी सह्याद्री के बारे में इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने उसका विवरण किया था, और साथ ही नीलगिरी जो पर्वत ग्रंथी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का मुख्य बिंदु रहने वाला है दक्षिणी सह्याद्री, और दक्षिणी सह्याद्री के साथ साथ में आपका नीलगिरी जो पर्वत ग्रंथी है इसको लेकर के बात करेंगे। नीलगिरी जो पर्वत ग्रंथी है इसके ऊपर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसको लेकर के बात करेंगे। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसको लेकर के बात करने वाले हैं, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पश्चिमी घाट है इसको अलग अलग राज्यों में स्थानीय रूप से किन नामों से पुकारा जाता है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। जो आपकी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने पश्चिमी घाट को बहुत ही एक सरल तरीके से बनाने की कोशिश की है, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में आए। यहां मैं किसी भी क्लास में आपका टाइम नहीं खर्च करता हूं, बस जो अपनी मुख्य बातें होती हैं हम उन्हीं को बात करते हैं। तो आज लिए चलते हैं, बात कर लेते हैं मुख्य रूप से दक्षिणी सह्याद्री को लेकर के। पहले तो अब दक्षिणी सह्याद्री की जैसे ही कल हमने बात की थी कि भाई 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसके उत्तर में उत्तरी सह्याद्री और उसके दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में आती है, उसका नाम है क्या? काल सुबाई। क्या नाम है? काल सुबाई। ये कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी है। जबकि अगर दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी की अगर आप बात करोगे तो उसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर, जबकि काल सुबाई की कितनी है? 1646 मीटर ऊंचाई है। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि जो काल सुबाई है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है जो कि कर्नाटक राज्य में है। क्लियर? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां आपको ये जो कर्नाटक राज्य है और ये इसकी ऊंचाई है किसकी? कुद्रेमुख, कर्नाटक। जिला कौन सा है? चिकमंगलूर। तो कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी है। ठीक है, ये तो दक्षिणी सह्याद्री की प्रथम ऊंची चोटी है, जबकि पुष्पगिरी ये भी कर्नाटक में ही है। पुष्पगिरी ये भी कर्नाटक में है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिणी सह्याद्री की बात कर रहे हैं, ना कि नीलगिरी की बात करें, ना कि इलायची की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, दक्षिणी सह्याद्री की बात कर रहे हैं। तो यहां अगर पूछ लिया जाए दक्षिणी सह्याद्री की प्रथम है तो ये पुष्पगिरी जो है कर्नाटक में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है 1714 मीटर, जो दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कौन सी है? पुष्पगिरी। कहां है? कर्नाटक राज्य। अब पुष्पगिरी जो कर्नाटक राज्य में दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी है, यहां की एक मुख्य विशेषता और है कि कावेरी नदी इसके पास से गुजरती है, यह उद्गम होता है किसका? कावेरी नदी का। कहां से? पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कहां है? कर्नाटक में। जी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तब आपको बिल्कुल ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर हम अब बात
इससे ये हमने दक्षिणी सह्याद्री को लेकर के बात की, दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी को लेकर के हमने बात की, दूसरी ऊंची चोटी को लेकर के हमने बात कर ली। अब आपको ये नीलगिरी की तरफ चले, इससे पहले मैं आपको लिए चलता हूं इधर, और इधर आना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत स्पष्ट सी बातें हैं। और एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 11 की, उसमें ये बातें दी हुई हैं, इसलिए बताना जरूरी था। क्या लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर, यानी पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम मिले हुए हैं। तो स्थानीय तौर पर अनेक नाम मिले हैं किसको? पश्चिमी घाट को। ये जो पूरा पश्चिमी घाट है, अभी अलग अलग राज्यों में है ही, एक पर्वत श्रेणी है, अलग अलग राज्यों में इसका विस्तार है। बस अब अलग अलग राज्यों में इसका विस्तार है, यही पश्चिमी घाट है। लेकिन इसी पश्चिमी घाट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि हम महाराष्ट्र में, ये जो पश्चिमी घाट है, इसको महाराष्ट्र में मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? सह्याद्री। कहां? महाराष्ट्र में। किसको? पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? सह्याद्री के नाम से पुकारा जाता है। ये एनसीईआरटी की बुक कक्षा 11 में दिया गया, इसलिए वहां से ये मैटर मुझे अच्छा लगा बताने के लिए था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लिख गया। दूसरा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या? पश्चिमी घाट। यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनका स्थानीय नाम क्या है? किस नाम से पुकारते हैं? तो किस नाम से पुकारते हैं? नीलगिरी के नाम से पुकारते हैं। जबकि नीलगिरी की जो सर्वोच्च शिखर है दो बेटा, ये तमिलनाडु के अंतर्गत बताया जाता है। ध्यान रखिएगा यहां, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? क्या सह्याद्री के नाम से पुकारा जाता है? क्या इलायची की पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है? क्या अन्नामलाई की पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है? या नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार का प्रश्न बन जाए, उठ जाए, तब आपको इस दृष्टि से इन बातों को ध्यान में रखना होगा। भूगोल की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना होगा, राज्य की दृष्टि से अलग बात। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना होगा, इसलिए ही मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरा, नेक्स्ट चलते हैं कि केरल में, केरल में पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उसको किन नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो है अन्नामलाई। इसमें केरल में किसको? पश्चिमी घाट के जो पहाड़ियां हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है? अन्नामलाई के नाम से पुकारा जाता है, और इलायची की पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है, और कार्डामम। क्या? कार्डामम। इलायची की पहाड़ियां या कार्डामम, इन पहाड़ियों के नाम से पूरे पश्चिमी घाट को अलग अलग स्थानीय नामों से अलग अलग राज्यों में पुकारा जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी की बुक कक्षा 11 से लिया है इसको, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी बातें हम आगे करते हैं। अब बात आती है, अब बात हम करेंगे सिर्फ नीलगिरी जो एक पर्वत ग्रंथी है, या नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसको लेकर के हम बात करते हैं। देखिए, नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथी है, नोट है, नोट यहां से पहाड़ियां निकलती हैं, जैसे पामीर की गांठ बोलते हैं, वहां से एशिया में, उत्तरी पूर्वी एशिया में हिमालय पर्वत, इस प्रकार से हिंद कुश पर्वतमाला, इस प्रकार से वहां से पर्वत श्रृंखलाएं निकल जाती हैं। तो नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथी बताया गया है, समझिए इस बात को कि नीलगिरी एक क्या है? पर्वत ग्रंथी है, ये बताया गया। अब नीलगिरी जो पर्वत को
और कोई नामों से पुकारा जाता है क्या? तो इसके अगर जहां सर्च किए हैं तो इसके नाम और आए हैं, पूछ लिया जाए। ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। अब यदि इंग्लिश में लिखा हुआ ब्लू, ब्लू का मतलब नीला ही होता है, माउंटेन का मतलब पर्वतित होता है, यहां ध्यान रखिएगा। नीला पर्वत, नीलगिरी, ब्लू माउंटेन, नीलगिरी। क्योंकि हम ज्यादा नाम ये पुकारते हैं, ये नाम हमसे हट जाते हैं, फिर हम ढूंढते रहते हैं। द क्वीन ऑफ हिल्स, नीलगिरी। चलिए ये बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि ये जो नीलगिरी एक जो पर्वत ग्रंथी है, ग्रंथी जो है, या नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, ये अगर पूछे त्रि जंक्शन पे, तो कौन से त्रि जंक्शन पर है? केरल या केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, तीनों राज्यों का मिलन होता, तो वहां ये कौन सी नीलगिरी पर्वत ग्रंथी है, नीलगिरी पर्वत है। अब यहां आगे चलते हैं कि नीलगिरी जो पर्वत ग्रंथी है, नीलगिरी जो पर्वत है, उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा है? दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। किसकी है? किसका पर्वत शिखर है? किसका सर्वोच्च शिखर है? नीलगिरी का है। कौन है? दोदा बेटा, डोडो बेटा, डोडा बेटा, ऐसे नाम आता है। कितनी ऊंचाई है? 2636 मीटर ऊंचा, तमिलनाडु। ये जो नीलगिरी पर्वत ग्रंथी जो है, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जहां पर्वत मिलते हैं वहां है। अब आगे चलते हैं, जो कि कौन किसके लिए कह रहा हूं? दोदा बेटा पर्वत शिखर है ना, किसका है? नीलगिरी का है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दोदो बेटा, दक्षिण भारत, यहां मैं बात कर रहा हूं दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, प्रथम की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो दक्षिण भारत का दूसरा जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा। कहां स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? दोदो बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। अब इसकी बात करें दोदो बेटा, इसी के पास में यहां का जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है तमिलनाडु, उटी नाम है जिसका, क्या नाम है? उटी, या ऊट कमंक भी उसे कहा जाता है। वो कहां है? ये दोदो बेटा जो पर्वत शिखर है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, में ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है तमिलनाडु में, ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।